हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूजी मैक 2018 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। पूरी लाइव डेमो के साथ मैं आपको यहाँ पे फॉर्म भरते हुए दिखाऊंगा, वो भी लाइव डेमो के साथ पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म पर, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, उसके बाद से यहाँ पे नीट का रोल नंबर भरना है। दोस्तों ये नीट स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं केवल, क्योंकि यहाँ पे जो जो स्टूडेंट नीट क्वालिफाई किए हुए हैं उनका रैंक कटअप आया हुआ है, वो यहाँ पे ऑनलाइन करा के अपना MBBS BDS BHMS में अपना ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं। ये करेंगे तो आपको काउंसलिंग कराना होगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर नीट का रोल नंबर यहाँ पर हम भर लेते हैं। उसके बाद से आपको दिखा रहा है यहाँ पे ऑल इंडिया नीट रैंक, तो हम यहाँ पे ऑल इंडिया नीट रैंक भरना है। उसके बाद से अपना नेम, कन्फर्म नेम दो दो बार आपको भरना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हमें सबसे पहले यहाँ पे दो दो बार भरना है, फिलअप करना है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से री इंटर डेट ऑफ बर्थ। तो मैं इसको चलिए भर लेते हैं फटाफट। उसके बाद से आर यू परमानेंट एड्रेस ऑफ बिहार, यस कर देंगे, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले अभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद से आपको रेसिडेंसी, तो आपके माता पिता निवासी हैं बिहार के, वो भी आपको चूज करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे डू यू क्लेम डिसेबल कोटा, तो आप अगर डिसेबल्ड हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन कोड जाएगा, उस एक्टिवेशन कोड का आपको इसमें पुट करना है, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो मैं चलिए फटाफट भर लेता हूँ ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। दोस्तों ये पासवर्ड आपको ध्यान रखना है कि आपको याद रखना है, ये पासवर्ड आगे काम आएगा, मैं बताऊँगा। उसके बाद से मोबाइल नंबर और इंटर अगेन मोबाइल नंबर, उसके बाद से आधार नंबर, उसके बाद से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको भरना है। जब आपका पासवर्ड सपोज आप भूल जाते हैं तो ये तोड़ने के लिए पासवर्ड हेल्प करता है आपका, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी चूज करके और सिक्योरिटी क्वेश्चन आप याद रखें। ये हम यहाँ पे फेवरेट मूवी चूज कर लेते हैं, तो यहाँ फेवरेट मूवी में बाहुबली डाल दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे इंटर कैप्चा कोड भरेंगे, और कैप्चा कोड भरने के बाद से हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है, आप इजिली कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा मैं बहुत ही मेहनत से इसे जुटाया हूँ, तो चलिए इसे हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सही होगा तो कंफर्म करेंगे, अदरवाइज चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे इंटर एक्टिवेशन कोड, आपके मेल आईडी पे एक एक्टिवेशन कोड गया है, उस कोड को यहाँ पे पुट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका यूजर नेम आपका ईमेल आईडी है और एक्टिवेशन कोड आपके मेल आईडी पे भेज दिया गया है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे यानी भरेंगे, भरने के बाद से सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद से आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन ईयर, अब अपना ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, मैंने बताया ना कि आप इसका याद रखिएगा, आपको यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर लीजिए और यहाँ पे सबमिट करेंगे। पासवर्ड पे भरने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे इंटरफेस खोलेंगे तो यहाँ पे फादर नेम, री इंटर फादर नेम, उसके बाद से मदर नेम। दोस्तों उसके बाद से चार सिंपल स्टेप है, आप इजीली कर सकते हैं इसके बाद से। तो यहाँ पे मैं फादर नेम, री इंटर फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कैटेगरी यहाँ पे सॉरी री इंटर जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि आप उर्दू से मैट्रिकुलेशन सब्जेक्ट आपका किया हुए हैं, तो यस नो कर सकते हैं आपके अनुसार जो है। उसके बाद से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से बॉडी में कोई पहचान हो वो चूज करना है। उसके बाद से क्या आप मेडिकल डेंटल के लिए मिलिट्री कोटा से आप क्लेम करना चाहते हैं तो नहीं। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट से आईएससी यानी इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया, तो मैं यहाँ गोपालगंज चूज कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भरना है, जैसे विलेज, पोस्ट, पीएस, ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये डिटेल्स आप खुद से भर लें, आसान है बहुत ही। तो मैं यहाँ पर भर लेता हूँ फटाफट। उसके बाद अगर दोनों आपका एड्रेस सेम है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पर टिक कर दें, अदरवाइज आप भर भी सकते हैं। उसके बाद से सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर, एक हिंदी सिग्नेचर और एक इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेता हूँ स्कैन करके। तो मैं यहाँ पे फोटो अपलोड करूँ, जैसे यहाँ पे चूज फाइल करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्राउज हो जाएगा
डायरेक्ट आप मीडिया में चले जाएंगे, मीडिया से आप फोटो चूज करके और फोटो को अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो को अपलोड करता हूँ। यहाँ पे आप फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर। दोस्तों बहुत ही आसान है, आप इजीली इंस्ट्रक्शन को देख के फोटो को केबी में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं फटाफट फोटो अपलोड कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा फोटो अपलोड हो गया, यहाँ पे चूज फाइल किया, सिग्नेचर को मुझे अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया। उसके बाद से आपको हिंदी सिग्नेचर ये मैं ओपन कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही सेव कंटिन्यू करेंगे हमारा फोटो अपलोड हो जाएगा। ये देखिए मेरा फोटो अपलोड हो गया। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप 10वीं पास का कॉलेज नेम भरना है, स्कूल नेम, आपने किस कॉलेज या स्कूल से क्वालिफाई किया 10वीं क्लास, तो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ। उसके बाद से कौन सा बोर्ड है, बिहार बोर्ड या अदर है, अदर स्टेट भी आप चूज कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद से आप पासिंग स्टेटस भरना है, जैसे पास है कि अपीयरिंग, ये डिटेल्स आप इजिली भर लें। तो मैं यहाँ पे स्कूल कॉलेज नेम और उसके बाद से सेलेक्ट परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे पासिंग ईयर और परसेंटेज भी यहाँ पे आप भर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे भरेंगे तो मैं यहाँ पे भर लेता हूँ। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, आप इसमें अगर आपका अच्छा रैंक है, नीट क्वालिफाइड, आपने रैंक अच्छा अटैम्प्ट किया हुआ है, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें। आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी न किसी कॉलेज में, MBBS के लिए या BMDS आपके जो अनुसार। उसके बाद मैंने यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट किया, तो आपने कितना मार्क्स पाया है, 375 टोटल मार्क्स 500 में, तो यहाँ पे टोटल 75 मैंने 75% ऑटोमेटिकली निकाल दिया। अब ISC 12th क्लास के लिए ये पूछ रहा है कि आपने किस कॉलेज से पूछा, सॉरी पढ़ाई किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे BPS कॉलेज भर लेता हूँ। ये बंदा हकीकत में BPS कॉलेज से पढ़ाई किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे स्टेटस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, पासिंग स्टेटस में पास है ये बंदा। अब ये 2017 में पासिंग किया हुआ है। उसके बाद से ये परसेंटेज में यहाँ पे निकालना पड़ेगा, खुद से निकाल कर भर लीजिए परसेंटेज। उसके बाद से नीचे कुछ कॉलम दिए हुए हैं, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इसका आपको भरना है। जैसे फर्स्ट वाले में आपके कितना मार्क्स मिला है, कितना में टोटल में, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में भर लेता हूँ। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड, तो यहाँ पे मार्क्स जो मिला हुआ है इस बंदे का, मैं यहाँ पे भर लेता हूँ दोस्तों। और जैसे इस बंदे का जो मार्क्स मिला हुआ है वो है 53 नंबर 100 में, और फिजिक्स में इसे मिला हुआ है 71 नंबर, और केमिस्ट्री में इस बंदे को मिला हुआ है 77 नंबर 100 मार्क्स में, और बायोलॉजी का भी आप यहाँ पे भरना जरूरी है। तो ये डिटेल्स भरने के बाद से सॉरी यहाँ पे 65 नंबर मिला है 100 में। अब ये भी एक बार आप वेरीफाई कर लें कि सब सही है कि नहीं है। उसके बाद से सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसका वेबसाइट का लिंक मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। ये पूछ रहा है प्लीज़ कन्फर्म, यस आई एम कन्फर्म, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको चूज प्रिफ्रेंस करना है, आप किस किस कॉलेज का च्वाइस करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे च्वाइस करके लॉक करना है हमें, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस दिए हुए हैं, तो सपोज मैं किसी कॉलेज को सेलेक्ट करके और वो एरो वाला जो चिन्ह दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका दूसरे खाली वाले बॉक्स में सेलेक्ट हो जाएगा। तो सपोज आप ऑल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप उस जो कोस्ट दिया हुआ है उसमें आप सेलेक्ट कर लें सारे प्रेफरेंस को, आप किसको किसको पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे IGMIS कॉलेज पटना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, लगभग 20 कॉलेजेस हैं यहाँ पे लिस्ट। यहाँ पे पटना मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स आप चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो क्या चॉइस उसका है। तो मैं यहाँ पे पटना मेड डेंटल कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं, मिथिला मिनिट्री डेंटल कॉलेज, उसके बाद से राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना गवर्नमेंट, तो इतने सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे चूज करना है। आप सबको चूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक दो आपको जो अच्छा लगे उसमें भी आप चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल करके भी आप चूज कर सकते हैं। मैं जो सपोज यहाँ पे राजकीय आयुर्वेदिक, इतने सारे कॉलेज मैंने चूज कर लिया, उसके बाद से मिथिला कॉलेज ये मैं चूज कर रहा हूँ। तो ये कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का चॉइस करना चाहता है, उसे क्या अच्छा लगेगा, कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहता है। तो सपोज मैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ,
पूरा का पूरा कॉलेज वन बाय वन करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं कि पहले नंबर पर किसको रखना चाहते हैं, सेकंड नंबर पर किसको रखना चाहते हैं, सिलेक्ट करके आपको अप डाउन करेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा, मेरे तरफ से पूरा हेल्प रहेगा। तो मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ देखिए अप डाउन मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे अप डाउन भी आ रहा है उसको सेलेक्ट करके, कि मैं पहले किसको रखना चाहता हूँ, बाद में किसको रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, ये हमारा कॉलेज लॉक हो गया। अब यहाँ पे प्रीव्यू योर फील्ड अप, यहाँ पे प्रीव्यू दे रहा है कि आपने क्या क्या फिलअप किया हुआ है। अब मैं इसे वेरीफाई कर लूँगा, यहाँ पे 20 कॉलेज मैंने चूज़ किया हुआ। वेरीफाई करने के बाद से आई कन्फर्म पे चेकबॉक्स करके सेव एंड कंटिन्यू एंड सेव कर देंगे। ये देखिए हमारा प्रीव्यू ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे। जैसे ही प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे हमारे पेमेंट मोड पे चले जाएंगे। यहाँ पे 1200 रुपये का पेमेंट कटेगा आपका। पेमेंट टाइप मैं ऑनलाइन करूँगा और यहाँ पे नेट बैंकिंग SBI नेट बैंकिंग मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद से प्रोसेस टू पे करूँगा। प्रोसेस टू पे पे क्लिक करते ही हमारा पेमेंट मोड पे चला जाएगा ये इंटरफेस, और ये मेरा जा रहा है। उसके बाद से मैं यहाँ नेट बैंकिंग चूज़ किया हूँ, स्टेट बैंक मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, और चूज़ करने के बाद से मैं यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। दोस्तों इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक भी ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं और इतने सारे वीडियो आपको आप तक पहुँचाऊँ। फॉर्म फिलअप आइडियाज़ टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड भी मैं यहाँ पे पेमेंट कर दिया हूँ कन्फर्म, और जैसे ही पेमेंट करूँगा मेरा कन्फर्म हो जाएगा, एक OTP आएगा मेरे मोबाइल पे, और मैं OTP डालते ही मेरा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा कन्फर्म। ये देखिए मेरा पेमेंट कन्फर्म हो गया। अब ये यहाँ पे दिखाएगा आपको कि आपका रेफरेंस नंबर ये है, आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है। देखिए ऑर्डर ऑर्डर इज इतना एंड टोटल इतना अमाउंट आपने पे किया। बैक टू अब यहाँ पे व्यू करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसे डाउनलोड करके रख लें, ये काउंसलिंग के समय आपको बहुत ही काम आएगा, तो इसे डाउनलोड कर लें। 5 पेज का प्रिंट आउट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।